वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन पोजीशन वेक्टर को सोल्व करेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दो कंसेप्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है, या फिर कहीं दो कंडीशन। पोजीशन वेक्टर या तो किसी पॉइंट का होगा, ठीक है, या फिर किसी वेक्टर का होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पॉइंट का तो मतलब है वो ओरिजिन पहले लिख दो और वो पॉइंट, इस तरीके से इस वेक्टर की बात होगी। ठीक है, और वेक्टर का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल में से पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल माइनस कर दो, मतलब सीधी सी बात है, कहाँ से चले वो तो होगा माइनस और कहाँ पर पहुँचे वो होगा प्लस, इस तरीके से यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब जैसे ये है न्यूमेरिकल की दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर, ये है ए बी सी डी आर, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो शो दैट वेक्टर डी बी वेक्टर, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, सबसे पहली बात डी बी वेक्टर। अब डी बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमें बताओ, ठीक है, डी बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है बी वेक्टर पहले आएगा, सही बात है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या है, बी पर पहुंचना हमने, बी का माइनस कर दो किस में से, पोजीशन वेक्टर ऑफ कहाँ से चले हैं, डी से चले हैं, बस ये पढ़ना आना चाहिए, डी से चले हैं, सीधी सी बात है इस तरीके से। या फिर इसको ये कह दें कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अगर वेक्टर में लिखना चाहते हैं, ये तो ही पॉइंट से रिलेटेड बात है, ठीक है, और वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो सीधी सी बात है ओ बी वेक्टर, मतलब पॉइंट से अगर वेक्टर लिखना हो तो इस तरीके से, फिर माइनस का साइन, यहाँ पर ओ डी वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी पॉइंट का पहले ओरिजिन लिख दो, इस तरीके से, ये बात भी हमने सीखी थी। ठीक है, इसका एक ही मतलब है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अब ये गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, यहाँ पर बी वेक्टर के बराबर है, इस तरीके से माइनस का साइन। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वो गिवन है ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर, इस तरीके से बस सोल्व करना है इसको। ठीक है, अब जैसे बी वेक्टर एक यहाँ पर प्लस का है और ये माइनस टू बी, तो किसके बराबर हुआ है यहाँ से, अब सीधी सी बात है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो ये माइनस साइन, बस ये ध्यान रखना, हमने जैसे यहाँ पर माइनस किया पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को, अब माइनस ए तो कर दिया लेकिन माइनस इसके बीच तो साथ है, कहने का मतलब ये इस तरीके से है। ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो किसके बराबर हुआ ये, टू बी प्लस बी थ्री बी माइनस ए वेक्टर, इस तरीके से, और ये इससे हो करना था, बस ये पता हमें पहले कौन सी टर्म आएगी, मतलब कहाँ पर पहुँचेंगे वो आएगा प्लस का, माइनस का क्या आएगा, कहाँ से चले, सेम बात यहाँ पर ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजिशन वैक्टर ऑफ किसका, सी का, सी का कितना यहाँ पर, ये है सी का टू ए प्लस थ्री बी, इस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हम, फिर माइनस का साइन कहाँ से चले थे, ए से, और ए का पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर गिवन है इस तरीके से। ठीक है, और इसको यहाँ पर सोल्व करें, टू ए माइनस ए तो ए बचा और प्लस का थ्री बी वैक्टर, यही शो करना था इस तरीके से। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल की पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर इस तरीके से गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट की काम की बात है, ठीक है, या फिर कहें मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस का कोई रोल नहीं है, ये बात याद रखनी है, पोजीशन वेक्टर में इनका कोई रोल नहीं है, ये नहीं है कि हमें थोड़ी नहीं पता है कि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ इस पॉइंट का ए वेक्टर है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में ये थोड़ी नहीं गिवन है इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ए बी सी के गिवन है। ठीक है, फाइंड वेक्टर्स, सबसे पहले ए बी वेक्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का क्या मतलब है, सबसे पहले यहाँ पर कि बी पर पहुंचेंगे, जो बाद में लिखा हो वहां पर पहुंचना है और जो पहले लिखा हो वहां से चलना है, अब बी पर पहुंचना है। ठीक है, वो पहले आएगा, अब बी पर, बी का ये था ए प्लस थ्री बी, इस तरीके से। ठीक है, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, कहाँ से चले, ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है फोर ए माइनस थ्री बी, फोर ए, लेकिन माइनस इसके साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, बस इस तरीके से आंसर निकालना है। ठीक है, ए माइनस फोर ए माइनस थ्री ए, इस तरीके से, और प्लस थ्री बी प्लस थ्री बी प्लस सिक्स बी वैक्टर, इस तरीके से। ठीक है, और एक और बात, जो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट लिखा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे सिक्स बी वैक्टर लिखा है, या तो इसको इस तरीके से लिखें, मतलब सिर्फ बी के साथ बीच में मल्टीप्लाई हो, ये इसके बराबर भी है कि सिक्स बी और उसका वैक्टर, एक ही तो बात थी,
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर से, किसकी वेक्टर की मल्टीप्लाई स्केलर से, ये तो स्केलर है सीधी सी बात है, और हमें पता है इसका रिजल्ट एक वेक्टर आना है, यही तो है वो वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से ये नहीं कि ये एरो सिक्स पर आएगा या फिर बी पर आएगा, सीधी सी बात है एक पर लिखे। हाँ ये मत कह देना कि सिक्स पर एरो है और बी पर, इसका कोई मतलब नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इस तरीके से बस इस तरीके से, अब यहाँ पर ए बी वैक्टर इस तरीके से बी सी वैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। बी सी वैक्टर का मतलब क्या हुआ, बी से चले हैं और सी पर पहुंचे हैं, ठीक है। सी सी का ये था तो ये पहले आएगी माइनस फाइव ए प्लस बी वैक्टर, फिर बीच में माइनस साइन आएगा एक तरीके से फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। अब कहाँ से चलना था हमने, बी से, और बी का पोजिशन वैक्टर ये था ए, और प्लस थ्री भी है लेकिन बीच में माइनस फॉर्मूले की वजह से, इस तरीके से बस कैलकुलेशन है इस तरीके से, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ये कि आल्सो वेरीफाई ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर, सबसे पहले ये तो चाहिए थे हमें, ए बी वैक्टर निकाल लिया इस तरीके से, अब बी सी वैक्टर को सोल्व करें यहाँ पर, ठीक है। माइनस फाइव ए माइनस ए, ठीक है, तो किसके बराबर हुआ, माइनस सिक्स ए वैक्टर इस तरीके से, और प्लस बी माइनस थ्री बी किसके बराबर हुआ, ये माइनस टू बी वैक्टर के, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद ये वेरीफाई करना कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, अब इन दोनों का सम करें यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का सम करने का मतलब माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कि माइनस का साइन होगा, अब ये गलत है, अब ये वेरीफाई मतलब शो करना ये रिजल्ट, बीच में प्लस का साइन होगा यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के लिए बीच में माइनस साइन जरूर आता है, लेकिन ये तो कोई रिजल्ट है इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब इसका, अब यहाँ पर प्लस का मतलब दोनों माइनस के, तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, इस तरीके से माइनस सिक्स ए माइनस टू बी वैक्टर इस तरीके से, ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। अब माइनस थ्री ए माइनस सिक्स ए किसके बराबर हुआ, माइनस नाइन ए वैक्टर के इस तरीके से, ठीक है, और प्लस सिक्स बी और माइनस टू बी माइनस फोर बी होगा, ठीक है। ये तो ही लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब ए सी वैक्टर, अब ए सी वैक्टर निकाल लो राइट हैंड साइड में, किसके बराबर होगा, ए से सी, इसका क्या मतलब है, सी पर पहुंचना है, ठीक है, तो पहले आएगा सी के लिए क्या था हमारे पास पोजीशन वैक्टर, ये था माइनस फाइव ए प्लस बी, माइनस फाइव ए वैक्टर प्लस का बी वैक्टर, ठीक है। माइनस का साइन आए फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, माइनस का साइन, और कहाँ से चलना है, ए से चलना है, तो ए का पोजिशन वैक्टर ये था फोर ए माइनस थ्री बी, फोर ए और माइनस एक फॉर्मूले की वजह से एक पहले से है तो प्लस हो जाएगा थ्री बी, बस ये माइनस साइन का ध्यान रखना है बस फॉर्मूले में कि दोनों टर्मों के साथ आएगा एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ सोल्व करना, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन ए वैक्टर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस बी वैक्टर प्लस थ्री बी वैक्टर फोर बी वैक्टर इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉपर्टी भी तो है, ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब कि पहले मल्टीप्लाई करें, कहने का मतलब है m इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इस तरीके से दो वैक्टरों, ठीक है, ये a और b, बस यहाँ पर c और d मान लो, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए नहीं, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। m इंटू इस मतलब स्केलर की मल्टीप्लाई, पहले दो वैक्टरों को ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर ऐड करें, एक ही मतलब होना है, यही तो बात है यहाँ पर, ठीक है। जैसे माइनस फाइव माइनस फोर इस तरीके से, ठीक है, अभी यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, माइनस फाइव और माइनस फोर को माइनस नाइन, ठीक है, और फिर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई की है इस तरीके से, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट को इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अभी यहाँ पर सीधी सी बात है, ये दो वैक्टर हैं और कॉन्स्टेंट है इस तरीके से, यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी तो दो हैं, सही बात है, कॉन्स्टेंट भी तो दो हैं, वैक्टर भी दो हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है इस तरीके से, ठीक है। बस प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है कि सीधी सी बात है कि ये कहें हम कि m प्लस एन इन टू ए वैक्टर, ये किसके बराबर होगा, m प्लस एन मतलब दो स्केलरों, कॉन्स्टेंट का मतलब कॉन्स्टेंट कहें स्केलर कहें एक ही बात है, सीधी सी बात है, या फिर इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ें वो भी एक ही बात थी, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी या फिर स्केलर किस क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ये इसकी डेफिनेशन थी, यही बात यहाँ पर है, ठीक है। पहले ऐड करें फिर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें इस तरीके से फिर ऐड करें, रिजल्ट तो सेम आना इस तरीके से, बस ये बात याद रखनी है। पोजिशन वैक्टर किसी पॉइंट का बस ओरिजन पहले लिख दो, ठीक है, ओरिजन ओ, ठीक है, और बाद में वो वैक्टर
सीधी सी बात है, मतलब पॉइंट सी इस तरीके से, ठीक है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का, पहली बात तो जो पॉइंट का रिजल्ट, मतलब पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का एक वेक्टर आएगा, ओ ए वेक्टर लिखा हमने, सही बात है, ओ ए वेक्टर लिखा ऊपर, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन भी है। सेम बात यहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर मतलब रिजल्ट वेक्टर आना है किसी वेक्टर का, सही बात है ये, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हम बार बार पोजीशन वेक्टर निकाला कि ये पहले इसे वेक्टर था, इसका रिजल्ट क्या है यहाँ पर, इस तरीके से, जैसे इसको सोल्व किया इस तरीके से, ये भी तो एक वेक्टर ही है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।